श्रेष्ठम सिंघम। कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे, किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया। भारत की ये प्रथा रही है, इतिहास खुद को दोहराने वाला है। बस बढ़ाने के लिए सिंघम अगेन की एक और स्ट्रेटेजी। क्यों एक मोस्ट फॉलोवर्ड इंडियन क्रिकेटर के कैमियो की हो रही है अब चर्चा, जिसके तले क्या है उसके 270 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ेंगे अब सिंघम अगेन के साथ। अब आप सोचेंगे कि सिंघम अगेन में इंडियन क्रिकेटर और क्यों। अब ऐसे सवाल तो हमारे दिमाग में भी टपक पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म में लगभग पूरा बॉलीवुड कैमियो कर ही रहा है अकेले अर्जुन कपूर से लड़ने के लिए, और अब ऊपर से किसी क्रिकेटर को भी इसमें लिया जाएगा। एंड बाय द वे, ये वो क्रिकेटर है जो अपने बल्लेबाजी से एक दिन में लाखों फॉलोअर्स रीच करता है, जिसका नाम है चीकू किंग कोहली, यानी कि विराट कोहली। जी हाँ, सोशल मीडिया पर दरअसल अभी एक पिक्चर देखने मिली जिसमें एक तरफ विराट वर्दी में है और दूसरी तरफ हवा में उड़ती स्कॉर्पियो में नजर आ रहे, और ये वही स्कॉर्पियो है जो रोहित शेट्टी के पिछले कुछ पोस्ट में दिखाई दी। इसका मतलब रोहित सिंघम अगेन में स्कॉर्पियो के साथ एंट्री करने वाले हैं। जो उस बंदे की बात कर रहे थे, क्या वो विराट बाबू है? वैसे विराट जो है डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा उनका एक काम करना, एंड फिल्मों में काम करना भी उन्हें पसंद है। पर अभी इस न्यूज पर यकीन किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है नहीं और ये पिक्चर भी सेट से वायरल नहीं हुई। एंड देखा जाए तो ऑफ टाइम जैसे एक सोर्स जब ये न्यूज बताते हैं, तब वहां कभी कभी र्यूमर्स या फेक न्यूज ऐसे शब्द ज्यादातर दिमाग में आते ही आते, इसलिए ये बात शायद रियल नहीं भी हो सकती। नोटिस किया होगा तो बस बढ़ाने के लिए कई बार क्रिकेटर्स को फिल्मों के साथ जोड़ा भी जाता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर एंड मिसेस माही नाम की राजकुमार राव की फिल्म में भी उनका नाम का रेफरेंस लिया गया, जिससे बस बढ़ाने में मदद हो सके। उसके बाद विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में उनका कैमियो हुआ, मतलब एक मैच दिखाया गया जिसमें वो थे। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स जब फिल्म के साथ सुनाई देते हैं, तब जाहिर सी बात है हमारे इंडियन क्रिकेटर्स का क्रेजी फैन बेस भी फिल्म के साथ जुड़ी जाता है एंड फिल्म का हाइप बढ़ जाता है। तो सिंघम अगेन का बस बढ़ाने के लिए ही अभी ऐसी न्यूज फैलाई जा रही है, ऐसा लग रहा है। एंड पुष्पा 2 के एग्जाम्पल भी यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर, जो कि पुष्पा और उसके स्टाइल के फैन हैं, जिनका पुष्पा के लिए जो जेनुइन प्यार नजर आता है, उनकी जब कलरफुल शर्ट एंड गन के साथ एक पिक्चर वायरल हुई थी, तब यही बोला गया कि वो पुष्पा 2 में कैमियो करेंगे। हालांकि ऐसा ऑफिशियली सुनाई नहीं पड़ा, एंड ऐसा भी अभी सिंघम अगेन के साथ हो रहा है। तो ये सब डेफिनेटली बातें हैं फिलहाल के लिए तो। और अगर डेविड वार्नर की तरह विराट कोहली सिंघम अगेन से जुड़ने को कुछ बोल भी देते हैं, डायलॉग्स बोल भी देते हैं, तो उनका वो जेन्युइन प्यार सब समझ सकते हैं, जिससे बस बढ़ जाता और उनके 270 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं और फिल्म को प्रॉफिट होता। पर ऐसा भी अभी कुछ नहीं हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसी न्यूज सिर्फ बस बढ़ाने के लिए है, ऑडियंस भी समझती है। तो जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता विराट का कैमियो होगा, तब तक इस पर यकीन तो नहीं किया जा सकता। वेल, आपको क्या लगता है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828858888।